हरे के सहारे की जय। पैसे ले रहे हैं या फ्री में खिला रहे हैं, वो भी इनसे अपन बातचीत करेंगे। भाई साहब गोलगप्पे का पैसे ले रहे हैं फ्री में? फ्री है भैया, फ्री है। गोलगप्पे खाओ, टिक्की खाओ, छोले भटूरे खाओ, पाव भाजी खाओ, सब फ्री है। बाबा की नगरी में सब फ्री है, पीठ बराम धाम में सब फ्री मिल रहा है। हरियाणा समाचार और एवीएन टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गुरु हिसार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीड बबराण गांव के अंदर और फिलहाल अभी मौजूद हूं फिलहाल मंदिर के अंदर, बीड बबराण मंदिर में। खाटू श्याम महाराज जी का फिलहाल ये मंदिर आप देख सकते हो कि कितना शानदार, दूर से देखे ना तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है मंदिर, पास आने के बाद तो बहुत ही और ज़बरदस्त लगता है। तो अब की बार भीड़ देख सकते हो कि भक्तों की कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लग चुकी है। तो एक बार वीडियो को ना खुलकर शेयर करो और खुलकर कमेंट करो कि भाई कितने भगत और फिलहाल शाम तक और जुड़ जाएंगे यहाँ पर, कितने भगत और आ जाएंगे, कितनी संख्या में भगत और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और अब एक बार आप स्टाले देखो चारों तरफ, राहुल भाई एक बार चारों तरफ स्टाले दिखा दे भाई, एक बार चारों तरफ ये जो स्टाले लगी हुई है ना, ये सारी की सारी स्टाले फिलहाल फ्री है, सारी की सारी फ्री है भक्तों के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई और मेले में जाते हैं ना, वहाँ पर स्टाल पैसे ले जाते हैं स्टालों पर खाने पीने के लिए, लेकिन खाटू श्याम महाराज के यहाँ पर इस बीड बबराण गांव के अंदर मंदिर के अंदर फिलहाल ये जो स्टाले लगी हुई है, ये स्टाले फिलहाल भक्तों के लिए खाने पीने के लिए फिलहाल फ्री है। तो वीडियो को खुलकर शेयर करें, खुलकर कमेंट करें। तो एक बार हम इस तरह नीचे उतर के भी आगे दिखाएंगे, हम आपको लोगों से बातचीत भी करेंगे कितने भगत यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने और यहाँ पर और संख्या में कितने पहुँचेंगे। तो वीडियो को खुलकर शेयर करें, खुलकर कमेंट करें। तो भाई फिलहाल भीड़ देख लो आप एक बार, कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है भक्तों की, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल भंडारे में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई वीडियो को खुलकर शेयर करें, खुलकर कमेंट करें। भाई साहब जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, सारे कह दो भाई, जय श्री श्याम। भाई साहब बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है जी। कितने साल से लगा रहे हो? कई सालों से लग रहा है जी ये भंडारा, और सुबह से चालू हो जाता है जी। ये जितने भी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं उन सब भक्तों के लिए निःशुल्क सेवाएं दी जा रही है यहाँ पे जी। और जब तक ये चलेगा रात तक प्रोग्राम, तब तक ये भंडारा हमारा चलता रहेगा। भाई साहब अगर भक्तों की बात करें तो आपकी बाहर भगत कितनी संख्या में पहुंचे? हर साल भक्त हर साल बढ़ रहे हैं, अब की बार कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा जी, हर साल बढ़ेंगे जी, आगे बाबा की कृपा रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे जी। खाटू श्याम के भक्तों का क्या संदेश देना चाहूंगा? खाटू श्याम के भक्तों को ये संदेश है, आप यहाँ आओ, अपना भंडारे शांतिपूर्वक दर्शन करो, दर्शन करो और भंडारे का आनंद उठाओ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक बार नारा लगा दो, जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। तो भाई फिलहाल आपने काफी स्टाले देखी, देख सकते हो कि कितनी स्टाले यहाँ पर लगी हुई है। तो एक बार मैं मेरे साथी राहुल को कहना चाहूंगा, एक बार भाई इस तरफ दिखा दे गोलगप्पे का प्रसाद। भाई गोलगप्पे का तो देखो मैंने तो पहली बार सुना भाई, गोलगप्पे का भी प्रसाद होता है, गोलगप्पे का भी प्रसाद लेते हैं लोग। और देखो कितनी संख्या में भीड़ लग चुकी है प्रसाद लेने के लिए गोलगप्पे का। ये पैसे ले रहे हैं फ्री में खिला रहे हैं, वो भी इनसे अपन बातचीत करेंगे। ओहो भाई साहब, आते शाड़ी भाई साहब, हां जी जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम, बढ़िया जी बढ़िया बढ़िया। भाई साहब गोलगप्पे का पैसे ले रहे हैं फ्री में? फ्री है भैया, फ्री है। गोलगप्पे खाओ, टिक्की खाओ, छोले भटूरे खाओ, पाव भाजी खाओ, सब फ्री है। बाबा की नगरी में सब फ्री है, पीठ बराम धाम में सब फ्री मिल रहा है। भाई साहब बाबा की नगरी में फिलहाल जितनी भी स्टाले लगी हुई है ना, सब कुछ फ्री है, लेकिन गोलगप्पे की मैंने पहली बार देखी है। देखिए हम लोग खाते हैं गोलगप्पे तो दिल करे बाबा को भी खिलाएं और भक्तों को भी खिलाएं, इसलिए हमने सोचा कि दूसरी बार हमने गोलगप्पे का भंडारा लगाया, सबने मिलकर हमारे साथियों ने मिलकर। और मैं कह रहा हूँ आनंद आ रहा है, सुबह के लगे हुए हैं, कम से कम दो दिन हो गए हमें यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं बांटने के लिए। तो भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हजारों की संख्या भक्त आ चुके हैं। अब से कम हमारे कम से कम 7,000 गोलगप्पे हमने लगा दिए अभी तक। और बाकी उम्मीद है शाम तक मेरे को लग रहा है कि 11,000 गोलगप्पे हमारे पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, 11,000 हाँ जी हाँ जी। इस मंदिर को बने 50 साल हो गए, ये सच है? ये इतिहास है, हरियाणा का इतिहास है, बीड बबराण धाम के अंदर हरियाणा का इतिहास है। बाबा श्याम यहाँ साक्षात विराजमान है, समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, दिल से भावनाओं से देखो, हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर। और हर किसी के मुंह से सुनने को आ रहा है मोर छड़ी मोर छड़ी मोर छड़ी मोर छड़ी, तो तुम गाओ मोर छड़ी। बाबा की जो छड़ी होती है झाड़े लगता है बाबा का, जो हमारे श्याम बहादुर जी महाराज के, जो हमारे आलू सिंह जी महाराज के द्वारा बाबा के मंदिर में रखी जाती है, जो झाड़ा दिया जाता था, जिससे बड़े बड़े काम हो जाते थे बाबा की नगरी में। और वो मोर झाड़ी वो चमत्कार अब तक होते जा रहे हैं।
और इतनी भीड़ लग रही है। ये तो भाई साहब पब्लिक आ रही है, अभी तो पब्लिक इतनी हो जाएगी अब समझ नहीं आएगी पब्लिक आई कहाँ से। हरियाणा पूरे हरियाणा से यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा के भक्तों को आखिरी संदेश क्या देना चाहूंगा? बस ये दे दूंगा यहाँ पर हमारी व्यवस्था बनाई जो मंडल कमेटी की व्यवस्था जो भंडारे जो भंडारे लगा उनकी व्यवस्था में सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले गंदगी ना फैलाए। खाटू नरेश जी की, श्याम प्यारे की, बालाजी महाराज की। तो भाई वीडियो को खुलकर शेयर करें, खुलकर कमेंट करें, आपकी क्या राय है। देख सकते हो कि गोलगप्पे की स्टाल यहाँ पर लगी है, इस पर भी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और खाटू श्याम के मंदिर में फिल आए आप और वीडियो को खुलकर शेयर करें। देखते रहे एवीएन टीवी और हरियाणा समाचार। धन्यवाद।